फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। आप जो अभी कॉपियां देख रहे हैं, ये बेस्ट आंसर शीट हैं बोर्ड की, जिन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं अपने अपने सब्जेक्ट में। ये वीडियो देखने से आपको ये पता चलेगा कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी में कैसे लिखना चाहिए, ताकि आप भी अच्छे मार्क्स ला पाएं, अच्छे से प्रदर्शन कर पाएं अपने एग्ज़ाम में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशंस सर्च करते हैं, तो यहाँ पर टॉपर कॉपी के साथ साथ में उनको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो रहा है, तो वो इस कॉपी के जरिए सॉल्यूशंस को भी देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के कॉपीज़, जितने भी टॉपर्स की कॉपीज़ हैं, वो सारे के सारे सभी सब्जेक्ट की अवेलेबल करा रहा हूँ इस चैनल पे। वो आपको प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर आपके बोर्ड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप जाकर के डायरेक्ट इन सभी कॉपीज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो भी अपलोड कर दिए गए हैं सारे सेट्स के साथ में, तो आप वहां से अपने क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हैं। वीडियोस हम जो बना रहे हैं, वो इस तरह से बना रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा एक पेज आराम से देखने को मिले। छोटे वीडियोस में केवल एक या दो क्वेश्चन दिखाई देते हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी नहीं होती। बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि सर, वीडियो ऐसा बनाओ कि हर वीडियो में कम से कम एक एक पेज दिखाई दे। तो हमारा ओरिएंटेशन यही है कि आप तक बेहतर से बेहतर वीडियोस पहुँचे, जो आपको कम समय में पूरा विजुअल दिखाए। इस चैनल पे सभी बोर्ड्स के आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर, टॉपर्स की कॉपीज सभी अपलोड कर दिए गए हैं और भी करे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको सभी बोर्ड्स के, इंडिया के सभी बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर, उसके सॉल्यूशन एंड टॉपर्स की कॉपी मिल जाएगी। आप उसको देख करके अपने आप को बेटर परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर सकते हैं। यदि आपका कोई कमेंट है जो क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग हो, या आंसर शीट के रिगार्डिंग हो, या टॉपर की कॉपी के रिगार्डिंग हो, तो ज़रूर करें। आपके कमेंट का मोस्ट वेलकम है और हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप जब प्लेलिस्ट में देखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन पेपर आपको लगता है कि वो अवेलेबल नहीं है, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि हमें ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो हम उस क्वेश्चन पेपर को आप तक पहुंचाएंगे, आप तक अवेलेबल कराएंगे। आप जो ये टॉप आंसर शीट देख रहे हैं बोर्ड्स की, इनमें देखिए आप स्टूडेंट्स ने किस हिसाब से लिखा है, कैसे लिखा है। इसको आपको देखने के बाद एक चीज़ महसूस होगी कि स्टूडेंट ने आंसर उसी हिसाब से लिखे हैं जितना लिखना चाहिए, एक्सेस आंसर में नहीं लिखा है। मतलब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको एक्सेस नहीं लिखना, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। एग्जामिनर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, ज़्यादा वर्ड्स आप लिखेंगे, ज़्यादा आप क्वेश्चन को लंबा करेंगे, तो एग्जामिनर उस पर फ्रस्ट्रेट होता है, उस पर उसको गुस्सा आता है, और वो नोट्स भी डाल देता है, और इसी कारण आपके नंबर भी कट जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, कभी भी जब आप लिखते हैं आंसर शीट को, तो आंसर इस हिसाब से लिखें कि वो सटीक हो, स्टेप टू स्टेप हो और साफ साफ हो। राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हो तो भी चलेगी, लेकिन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला जब पढ़ता है तो उसको समझ में आए। यानी कि आप जो लिख रहे हैं, वो कोई भी पढ़ के समझ ले कि आप क्या लिखना चाहते हैं, या आपने क्या लिखा है, क्या समझाना चाहते हैं। यही इम्पोर्टेंट होता है किसी बोर्ड की कॉपी में लिखने का तरीका। तो सारे वीडियोज़ को लाइक करें, किसी भी माध्यम से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।